आज इसको मैं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं ARTN यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी पर जो ये दौरा पड़ता है, तो आइए चलिए दिखाते हैं हम आपको, यहाँ विजिट करवाते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे कि ये आस्था के केंद्र क्यों है। साहब सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ तो आप कैमरा में देखो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, आदमियों का एकदम हुजूम उमड़ पड़ा है। तो आप देखते रहिए सारी चीज़ें हमारे साथ, और आप अगर अच्छा लगता है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं उमा शंकर तिवारी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सारे व्यक्ति जो है अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आप कमाल की बात ये देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज हमें यहाँ पर ये देखने को मिली। यहाँ पर ना आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि हिंदू मंदिरों में जो है हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, और आप देख सकते हैं लेडीज और आप यहाँ पर ये भी देखने को आपको मिल गया होगा, वैसे बहुत कम आपने देखा होगा हमारे बने दीजिएगा सारी चीज़ें आप देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये मंदिर है बजरंगबली बाबा का, और ये गौरा हनुमानगढ़ी में पड़ता है जो बहुत ही क्षेत्र का जो है अमेठी में आप जो है समझ सकते हैं आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर बहुत सारी मन्नतें लेकर लोग आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं भगवान से। तो हेलो चलिए मैं चल रहा हूँ मंदिर प्रांगण में, चल रहा हूँ तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप किसी भी चीज़ को मैं आप मिस नहीं करेंगे अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो। पांडे जी आप दिखाते रहिएगा हमारे साथ, धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो आप पत्रकार बाबू छप जाए एक बार हमारे चैनल पर विजिट करें और आप हमारे अच्छा भी जा रहे हैं सारी चीजें। मुनझारी आप रहे मक्की रखो, आप देख सकते हैं काफी चीजें लिखी हुई है श्री रामचरित मानस की, आपको गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयां इस मंदिर पे मिल जाएंगी आपको देख। और अब जाइए हम आप चलिए चलते हैं उस मेन स्थान पर जहाँ पर
बजरंगबली बाबा विराजमान है और उनका ये मंदिर है। पता नहीं यहाँ जूतों की चोरी होती है कि नहीं, बट तीन लोग यहीं उतार रहे हैं। देखो लौट के क्या मिलता है क्या नहीं होता, क्योंकि मंदिरों में आप जाते हैं जाते हैं बजरंगबली महाराज की। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और वहां से आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मंदिर है जहां पर बजरंगबली बाबा विराजमान है, आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। मंदिर में हम बाद में चलेंगे, उसके पहले हम आपको इधर उधर से फिर और बताने के लिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आइए, कुछ घंटा उंटा हम भी लगा देते हैं, उसके बाद में फिर भी बोल दो बजरंगबली की। बजरंगबली बाबा के साथ में जो है राम लक्ष्मण और माता जानकी भी विराजमान है इस मंदिर में। इतने सारे घंटे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि एकदम समझ लिया दिल खुश हो जाता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपसे बहुत पहले से स्थान जो है आस्था का केंद्र है। तो अगर हमारे क्षेत्र से आप हैं या फिर आप कहीं बाहर से भी देख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पर विजिट करें और अपनी मन्नतें आप पूरा करें। और कमाल की बात तो हमें ये देखने को मिली कि यहाँ पर जो भी मुसलमान भाई हैं वो भी आते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदू मंदिरों पे जो है, क्योंकि ये लोग टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए, यहाँ पर एक गीत संगीत का भी प्रोग्राम हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इधर इधर भी थोड़ा सा गोले गोले से पता नहीं क्या प्रोग्राम है, तो आप इससे भी देख सकते हैं। सर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा करके आइए। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इस बैग में क्या है, तो इस बैग में हमारा कैमरा वगैरह है। हम यहाँ पर सोच रहे थे कि फेसबुक पर लाइव आएंगे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव ना कर सका, लेकिन इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। भगवान को भगवान को बहुत अच्छा लगा है। आपके आशा के केंद्र में यही थी, इस वजह से आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आए तो यहाँ पर विजिट करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए पंडित जी यहाँ पर शुल्क भी लेते हैं मनोकामनाएं पूरा करवाने का, क्या शुल्क है आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ इस बात को नहीं बोल सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कैमरा पर उधर फोकस कीजिएगा, और मैं तो बस प्रणाम करके निकलने वाला हूँ।
लेकिन आप देखिएगा कि क्या शुल्क है यहाँ पर मनोकामना पूरी करने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रणाम करो, भजन करवाओ, प्रणाम करो, आगे चलते हैं। हो गया, ले पकड़ो यार, मैं याचना के लिए भाई, क्योंकि गलती है तो हो ही जाती है।